एनजीओ द्वारा लॉकडाउन के प्रारंभ होने के बाद से ही जनता रसोई के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर जा जाकर गरीब व बेसहारा लोगों को चिन्हित कर उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही गरीब दस के लोगों को सुबह शाम खाने पीने का सामान भरपूर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि गरीब लोगों को इस COVID-19 खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो और समय व सुविधा अनुसार गरीब दस के लोगों को खाना उपलब्ध हो सके। हैंड फॉर हेल्प एनजीओ द्वारा यह एक नेक्ड कार्य किया जा रहा है, जिससे कि गरीब लोगों को समय अनुसार सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो क्या उद्देश्य है आपका ऐसा कार्य? हमारा उद्देश्य है कोई व्यक्ति को खाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और पहुँचने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथ साथ खाने के साथ साथ दवाइयों की व्यवस्था भी लोगों तक कर रहे हैं, पेशेंट को दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं और सब कर रहे हैं। मेरा नाम विशाल वाशी है और यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से द्वारा माध्यम से लोगों के घरों तक खाना पहुँचाया है, दवाई पहुँचाई है, अन्य जरूरी सामान पहुँचाया है। हमारी टीम के बाकी सदस्य हैं, साथ राहुल मशीन जी हैं, रामू भैया हैं, सारे लोग अपना अपना काम बांट कर सर्वे करते हैं और देखते हैं कि कहाँ वास्तविक ज़रूरतमंद है। और हम लोगों से बार बार यही अपील करते हैं कि कृपया आप अपने घरों में रहें, घरों से रहकर आप हमको हमारे हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं ताकि आपको।